हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जय ब्लॉग डायरी में। हमारे देश में हिंदू धर्म तीर्थ स्थानों की बहुत मान्यता है। हमारे देश में कई तीर्थ स्थान ऐसे हैं जहां देश के कोने कोने से लोग दर्शन करने आते हैं, और इनका मानना ये है कि तीर्थ स्थानों के दर्शन से जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर तीर्थ स्थानों की बात आती है तो सबसे पहले अयोध्या का श्री राम मंदिर का नाम सामने आता है। दोस्तों, आज की ये वीडियो एक ऐसे तीर्थ स्थान की है जहां ऐसा कहा जाता है कि इसी महल में प्रभु श्री राम और उनके चारों भाइयों का बचपन बीता है। यहां ऐसा कहा जाता है कि प्रभु श्री राम अपने जन्म से 19 वर्ष की आयु तक यहीं रहे थे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। यह अयोध्या के मध्य में स्थित है। प्राचीन इतिहास और आध्यात्मिकता से भरपूर शहर दशरथ महल अयोध्या भारत की समृद्ध विरासत के प्रमाण के रूप में खड़ा है। यह भव्य महल, जिसे बड़ा स्थान या बड़ी जगह के नाम से जाना जाता है, कभी अयोध्या के श्रद्धेय शासक और भगवान श्री राम के पिता राजा दशरथ का निवास स्थान था। जैसे ही आप दशरथ महल के पवित्र परिसर में कदम रखेंगे, आप समय के माध्यम से एक यात्रा पर निकल पड़ेंगे। उन किंवदंतियों और कहानियों को फिर से याद करेंगे जिन्होंने इस क्षेत्र की सांस्कृतिक छवि को आकार दिया है। दशरथ महल अयोध्या सिर्फ एक महल नहीं है, यह बीते युग का एक जीवंत अवशेष है। उसी स्थान पर स्थित है जहां राजा दशरथ का महल हुआ करता था। यह मनमोहक स्थान भगवान राम और उनके भाई बहनों के जीवन में गहरा महत्व रखता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने अपना बचपन और किशोरावस्था इन पवित्र दीवारों के भीतर बिताई थी। जैसे ही आप महल का निरीक्षण करेंगे, आप जटिल चित्रों से सजे इस अलंकृत प्रवेश द्वार से मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। अंदर भगवा पहने भिक्षु मंत्रों का जाप करते हैं, भक्ति गीत गाते हैं और परमात्मा के उत्सव में नृत्य करते हैं। दशरथ महल कुछ भव्य महलों की तुलना में आकार में छोटा हो सकता है, लेकिन इसमें एक निर्विवाद आकर्षण है जो दूर दूर से आए श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। बड़े उत्साह के साथ मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों के दौरान दशरथ महल अयोध्या सचमुच जीवंत हो उठती है। जैसे राम विवाह, कार्तिक मेला, दिवाली, रामनवमी और श्रावण मेला जैसे आयोजनों के दौरान वातावरण ऊर्जा से भर जाता है। ये अवसर अयोध्या के जीवंत सांस्कृतिक विरासत की झलक पेश करते हैं, जहां परंपराएं और आध्यात्मिकता सहज रूप से मिश्रित होती हैं। इन त्योहारों को मनाने के लिए यहां सैलानी काफी दूर दूर से चलकर आते हैं। माना जाता है कि चक्रवर्ती महाराज दशरथ महल राजा दशरथ अपने नाते रिश्तेदारों के साथ रहते थे। यह स्थल अब एक पवित्र मंदिर में के रूप में तब्दील हो चुका है। भवन को ठीक उसी जगह बनाया गया है जहां राजा दशरथ का असली निवास हुआ करता था, और भगवान राम के पिता का अस्तित्व भी इसी स्थान से जुड़ा हुआ है। इस मंदिर का प्रवेश द्वार बेहद ही बड़ा और रंगीन है। इस परिसर में काफी संख्या में जमा होकर श्रद्धालु भजन कीर्तन करते रहते हैं, और कहते हैं कि राम जी का जन्म भी यहीं हुआ था। इस भवन के मंदिर में श्री राम, लक्ष्मण और सीता की मूर्तियों के साथ साथ राजा दशरथ और उनकी चारों माताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। यह जगह वास्तव में दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ आने के लिए एक आश्चर्यजनक और शानदार जगह है। दशरथ महल के कुछ अन्य नाम भी हैं जिनके नाम से इसे जाना जाता है, जैसे कि बड़ी जगह या बड़ा स्थान। ऐसा माना जाता है कि यह वास्तव में वह स्थान है जहां महान और परोपकारी राजा दशरथ थे, जो कृति भारतीय महाकाव्य रामायण से भगवान राम के पिता भी थे। तो वीडियो अगर अभी तक आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर सेंड कीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आप लोग अयोध्या ज़रूर आएंगे, ये मुझे तो कंफर्म पता है। तो एक बार यहाँ पे आना तो बनता है।
अयोध्या में दशरथ महल एक पर्यटन अनुभव से कहीं अधिक है। यह एक आध्यात्मिक यात्रा है और इस प्राचीन शहर के इतिहास और संस्कृति की एक झलक है। यह महल अपनी जटिल वास्तुकला और शांत वातावरण के साथ विश्राम और आनंद का एक अनूठा मिश्रण प्रदान करता है। चाहे आप इतिहास में रुचि रखते हों, आध्यात्मिक साधक हों, या बस अयोध्या की सुंदरता में डूब जाना चाहते हों, दशरथ महल एक अविस्मरणीय अनुभव का वादा करता है। तो अपने बैग पैक करें और इस असाधारण गंतव्य दशरथ महल अयोध्या में एक स्फूर्तिदायक सप्ताहांग छुट्टी पर निकल पड़ें। अब वक्त हो चला है आपसे अलविदा कहने का। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर हमारी वीडियो आपको ना पसंद हो तो आप हमारे पास कमेंट करके बताइए कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, हम उसको सही करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं कहीं और किसी और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें।